हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं बच्चों की किस्मत को बंधने से कैसे रोकें, क्या उपाय करें माता पिता। पहली चीज़, बच्चों की जो पुरानी किताबें हैं वो किसी को दे देनी चाहिए जो उसको पढ़ाई करे, जो उससे पढ़ाई करे, या फिर किसी पुस्तकालय में वो पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, डोनेट कर देनी चाहिए, या फिर आप किसी मंदिर में, भवन में, जहाँ पर कि अक्सर लोग आकर बैठते हैं और वहाँ पर आप पुस्तकें दे सकते हैं। बच्चों के पास में अगर कोई खिलौना है जो कि साबुत और खेलने योग्य है, ऐसे खिलौने को भी आप किसी निर्धन बच्चे को जरूर दे दीजिए। उनकी दुआएं मिलेंगी और बच्चों का भविष्य संवरेगा, उनके ऊपर लगी हुई बाधाएं दूर होंगी। बच्चों के द्वारा कुछ ना कुछ फ्रूट, स्पेशली जो केले हैं, वो शिव मंदिर में चढ़वाएं जरूर, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गुरुवार के दिन बच्चों के हाथ से कोई भी पीली चीज़ गरीबों में वितरित करवाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन सब चीज़ शुद्ध बनी हुई साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बच्चों के हाथों से अमावस्या के दिन कम से कम 7 निर्धन बच्चे या कन्या, उनको कोई ना कोई भोज्य सामग्री जरूर दीजिए। इसके अलावा यदि कोई बच्चा आर्थिक रूप से विपन्न है तो उसकी फ़ीस आप जमा कराएं। कोई भी एक बच्चा आप ले सकते हैं जो नहीं भर पा रहा है फ़ीस, या उसको कुछ स्टेशनरी लेने में मदद कर सकते हैं, उसकी यूनिफॉर्म आप उसको दिलवा सकते हैं, किसी भी तरह से उसकी आप हेल्प कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों को दुआ मिलती है, उनकी किस्मत नहीं बनती है। इसके अलावा बच्चों में ये आदत बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे थूक उछालते हैं। आपके बच्चों में भी अगर ये आदतें, हो सकता है किसी में नहीं हो, तो जिनके है मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। कई बच्चों को देखा है वो किसी एनिमल पर थूक देते हैं, कहीं डॉग जा रहा हो या पिग हो तो वो बच्चे उस पर थूक उछालते हैं। ऐसा करने से श्राप जैसी स्थिति होती है, बड़े बूढ़े कहते आए हैं, हमें तो बचपन में टोकते थे, कई बार हमने देखा था कुछ बच्चे ऐसे करते थे, तो छोटी छोटी बातों, अब ये मत कहिएगा कि हम थूकते थे, हम नहीं थूकते थे, लेकिन कुछ जैसे होता ना, आसपास रहने वाले बच्चे कुछ थूकते थे, तो बड़े बूढ़े अक्सर उस बात को टोका करते थे, और बचपन में ये चीज़ देखने का मुझे मौका मिला। तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और काफ़ी कुछ बातचीत करती रहती हूँ मैं बड़े बुजुर्गों से इस बारे में। तो कभी भी किसी पर थूकना नहीं चाहिए, स्पेशली किसी महिला पर जो भी बच्चा थूकता है किसी भी तरह से, तो उसकी कुंडली में एक श्राप जैसा ही स्थिति निर्मित हो जाती है, उसका शुक्र ग्रह खराब होना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा बच्चे झूठे हाथ, ऐसी चीज़ें जो भोज्य सामग्री के रूप में पवित्र किचन में रखी हुई हैं, तो उन पर झूठे हाथ बच्चे ना लगाएं, घड़े में गिलास को झूठा ना करें, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, तो ज़रूर बच्चों की जो किस्मत है वो बंधने से रुकेगी। बच्चों को सच बोलना सिखाएं, बच्चों को बेईमानी का पाठ कभी ना पढ़ाएं। ऐसा करने से बच्चों को एक स्पिरिचुअल शक्ति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऐसा आप करेंगे ना, तो बच्चों का भविष्य जरूर सुरक्षित और अच्छा रहेगा, और साथ साथ कोई टोक, और जिसको बोलते हैं कि कोई बंधन भी उन पर निर्मित नहीं होगा।